रैंसोल में किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आंवले का अचार बनाना बता रही हूँ। आंवले का अचार खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप आंवले का अचार ज़रूर डालें ठंडों में, क्योंकि ये आंवला बहुत ही फ़ायदा भी करता है। हम आंवले को पहले एक कुकर में उबाल लेंगे। ये कुकर के हमने एक पाव आंवले लिए हैं, ये 10 से 12 आंवले हैं। तो हम पानी डाल के 2 सीटी ले लेंगे कुकर की। गैस ऑन करके मैं इसकी 2 सीटी ले लूँगी कुकर की। ये कुकर हमारा हो गया है, हमने इसकी 2 सीटी ले ली थी। इसको हम खोल लेते हैं। ये कुकर हो चुका है हमारा। अब हम ये एक छलनी में इसको निकाल लेंगे। ये थोड़े से ठंडे हो जाए फिर हम इनकी गुठलियाँ निकाल लेंगे। ये आंवले हमारे ठंडे हो गए हैं, अब हम उनको इनकी गुठलियाँ निकाल लेंगे। इस तरीके से बहुत आराम से इनकी गुठलियाँ निकल जाती हैं। ये आंवले हमने कली कली कर लिए हैं। अब हम इसका अचार डालेंगे। इसका अचार डालने का तरीका बता रही हूँ मैं। और अचार डालने के लिए हमने ये 2 टेबल स्पून लाल मिर्च ले ली है और 1 टेबल स्पून सौंफ ले ली है और ये 1/2 टेबल स्पून मेथी ले ली है और ये 1/2 टेबल स्पून हमने अमचूर ले लिए है और ये हमने 1/2 टेबल स्पून हल्दी ली है। ये अचार की राई ली है हमने, इसको थोड़ा सा मिक्सी में चला लिया है, हल्की से बारीक हो जाती है तो अच्छी रहती है। ये हमने 1/2 टेबल स्पून नमक लिया है। कढ़ाई ले लेंगे हम, लोहे की कढ़ाई नहीं लेना है हमको, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में आंवले काले पड़ जाते हैं। मैं इसमें अब ऑयल डाल देती हूँ। 1 ये 2 और ये 3, ये 3 बड़ी चम्मच से हमने ऑयल डाल दिया है। ये हमारा हो रहा है। 1 टेबल स्पून में इसमें जीरा डाल दे रही हूँ। जीरा हमारा हो गया है। अब हम इसमें सौंफ डाल देंगे। सौंफ हो गई है, अब इसमें हम राई डाल देंगे। ये मसाले हमने निकाल लिए हैं, सारे मसाले अब हम इसमें डाल देंगे। हम नमक डाल देंगे। देखिए हमारा अचार कितना बढ़िया बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अचार कितना बढ़िया बना है आंवले का। आप इस तरीके से अचार बनाएं, वो महीनों भी स्टोर करके रखें, ख़राब नहीं होगा। आंवले के अचार में ज़्यादा तेल अच्छा नहीं लगता है, उतना ही डालें जितनी इसमें आवश्यकता है।